ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ब्रिक्स की बैठक में आपने पीएम नरेंद्र मोदी का अंदाज तो देख लिया, उस अंदाज की चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कहां कम है। पाकिस्तान जाते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें उनके अंदाज पर टिक जाती हैं। वो जिस तरह से गॉगल्स पहनते हैं पाकिस्तान पहुंचकर, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और अब ये तस्वीरें रूस से देखिए। ब्रिक्स आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर कजान में मौजूद थे। उन्होंने वहां शिरकत जिस अंदाज में की, जिस अंदाज में उनकी वहां एंट्री हुई, यह वाकई में देखने वाला था। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, उनका वॉकिंग स्टाइल जो पूरे कॉन्फिडेंस से लैस है, वो भारत की शक्ति को दर्शाता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए नजर आए और बड़े ही दमखम के साथ इस ब्रिक्स आउटरीच सेशन में अपनी बात भी रखी। उन्होंने 5 अहम मुद्दे भी उठाए, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती देने की बात की और उसका विस्तार करने पर जोर दिया। इसके अलावा यूएन और दूसरे ऐसे संस्थान जहां रिफॉर्म्स की जरूरत है उस पर जोर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट कैटेगरीज में बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी को डेमोक्रेटाइज करने पर जोर दिया और सप्लाई चेन को छोटी करने की बात की। इसके अलावा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया, रिस्क मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स पर भी काफी जोर दिया गया। इसके अलावा नए नए पहलों के जरिए किस तरह से आम जनता के लिए जीवन आसान किया जा सकता है, नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, उस पर जोर दिया। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में बिगड़ रहे हालात को लेकर चिंता किया। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पर संयम बरतने की जरूरत है। और इसके अलावा ब्रिक्स आउटरीच प्रोग्राम में ये मैसेज जयशंकर की तरफ से दिया गया कि दुनिया तैयार है एक नए नजरिए को अब स्वीकार करने के लिए और दुनिया की वस्तु स्थिति पर नए तरीके से चर्चा करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।